हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरी एंड यू आर वॉचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कोई भी जो हैकर अटैकर्स या स्टीलर्स होते हैं आपके कंप्यूटर से आईडी, पासवर्ड और बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी है जो कई बार अपने छोटे मोटे काम करने के लिए अपने दोस्तों के कंप्यूटर्स का या लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पब्लिक जो साइबर कैफेज होते हैं उनमें जाके वो अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसे वहां लॉग इन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बहुत सारे जो पर्सन हैं वो अपनी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है, बैंक की जो आईडी है, उससे ट्रांजेक्शन करते हैं पब्लिक कैफेज पे जाकर। तो वहां इस तरह की चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। और जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं की लॉगर्स के बारे में। की लॉगर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो की लॉगर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्कुल वैसा वीडियो नहीं है जैसा कि आपने अब तक देखा होगा। ये बहुत अलग है। काल लिनक्स के जरिए आज हम इस पर काम करने वाले हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हैकर्स और स्टीलर्स आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे चुरा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं पूछने वाला हूँ आपसे एक लकी क्वेश्चन जिसका जवाब देने पर आप जीत सकते हैं पूरे 5,000 रुपये का कैश प्राइज। तो वो वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछूंगा और जो सही विनर्स होंगे, जो भी लकी विनर्स होंगे उनके बारे में हम हर संडे उनका जो नाम है लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, की लॉगर्स, तो की लॉगर्स के बारे में आप काफ़ी सारे जो पर्सन हैं उन्होंने सुन भी रखा होगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ और प्रैक्टिकल की तरफ हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, की लॉगर्स जो होते हैं, की लॉगर्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हिडन वे में किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप्स या मोबाइल्स के अंदर भी चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप जो भी काम करेंगे, यानी कि अगर की लॉगर वाली जो फाइल है वो रन है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करती है, आप जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में, आप जो भी वर्क कर रहे हैं उन कीज़ को रिकॉर्ड करता है। कई बार बहुत सारी मूवीज़ में, एक साउथ मूवी थी मैंने उसमें देखा था कि की लॉगर की मदद से, यानी कि जो भी वर्ड्स कोई भी अगर अपने कंप्यूटर पे भी की लॉगर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो भी वर्ड आप प्रेस कर रहे हैं वो वर्ड रिकॉर्ड हो रहे हैं की लॉगर वाली फाइल में जाकर, लेकिन वो जो की लॉगर वाली फाइल है या प्रोग्राम है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जितना भी काम कर रहे हैं ए टू जेड वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। फ्रेंड्स, की लॉगर ऑनलाइन भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर की लॉगर आपने किसी के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया है और उसका रिमोट कनेक्शन आपके हाथ में है, तो जो भी वर्क सामने वाला पर्सन कर रहा होगा उसकी ए टू जेड एक्टिविटीज़ आपके पास आ रही होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ऑनलाइन हो, ये ऑफलाइन में भी आपको सारी कीज़ को रिकॉर्ड करके वो भेज देगा आपकी ईमेल आईडी पे। तो फ्रेंड्स, की लॉगर बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा की लॉगर ऑफलाइन भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो। यानी बहुत सारे पर्सनस हैं, पब्लिक कैफेज़ में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कंप्यूटर्स में की लॉगर डाल के रखते हैं। उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि जब भी आप अपनी आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे लॉगिन करने के लिए, वो सारा जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और कभी भी कोई भी पर्सन उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कीलॉगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इन सब के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, कीलॉगर्स हार्डवेयर के रूप में भी होते हैं, यानी किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में वो हार्डवेयर की फॉर्म में एक पेन ड्राइव की तरह भी लगे हुए हो सकते हैं जो आपके की स्ट्रोक को नोट कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, की स्ट्रोक का मतलब है जो भी आप की प्रेस कर रहे होते हैं। तो ये है की लॉगर्स। अब हम बात करेंगे कि काली लिनक्स में भी की लॉगर्स आसानी से, ऐसा है कि काली लिनक्स के अंदर भी की लॉगर इंस्टॉल किया जा सके या उस पर वर्क किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये किस तरह से काम करेगा। तो वो जो फाइल है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा गिट क्लोन https एंड फाइल तो आपको पता ही है कहाँ मिलने वाली है, गिटहब पे ही हमें मिलेगी। और अभी जो हमारी फाइल है उसका नाम है एक्सपाई, जिसका हम काम करने वाले हैं, मतलब जिस पे हम काम करने वाले हैं, एक की लॉगर है बेसिकली। और आप देखेंगे ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं है तो वो हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं इसे एलएस करके देखूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपाई के नाम से वो आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें करना है इंस्टॉल। अभी मैंने लिखा apt get और मैं यहाँ कर देता हूँ इंस्टॉल xspy। मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप उसे चला सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप इसे रन करना चाहते हैं तो आपको लिखना है xpy, और क्योंकि अब ये रन अप हो चुका है, xpy लिखने के बाद आपको लिखना है log.txt और एंटर कर दीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद ये फाइल रनिंग हो गई है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ
और भी कई तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिडन वे में भी ये रन अप होती हैं, और लॉट्स ऑफ वेज हैं जिनके जरिए ये काम करती है। मैं तो सिर्फ आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि की लॉगर किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑनलाइन भी काम करते हैं, हार्डवेयर के फॉर्म में भी होते हैं, और कालिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर से उनके अंदर भी आसानी से वर्क करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ मैंने फेसबुक की एक आई डी ओपन की हुई है। अब मैं यहाँ अपनी जो आई डी है उसे लॉग इन कर लेता हूँ। तो माई आई डी इज़ मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग @gmail। तो मैंने यहाँ जो अपनी आईडी है मैंने लिख दिया है gmail.com, और यहाँ जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने पासवर्ड और आईडी दोनों चीज़ें डाल दी हैं यहाँ पे, और उसके बाद अब मैं इसे करूँगा लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आईडी और पासवर्ड लॉगिन हो जाएंगे या तो नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था अब मैंने जो भी वर्क किया है। तो इसके अलावा चलिए कुछ और थोड़ा सा वर्क और करके देख लेते हैं। तो ये लॉगिन नहीं हुआ है, मैं थोड़ा लीफ पैड निकाल लेता हूँ। वट एवर आप जो भी कंप्यूटर में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने की लॉगर रन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख कर देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल, और एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा पासवर्ड एंड 1 2 3 4 5, मैंने कुछ भी टाइप किया है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये फाइल, अब आपका कोई भी फ्रेंड या अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आप अपना काम करने के बाद उन चीज़ों को बंद कर देंगे और घर को चले जाएंगे। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी तरफ से सिक्योर हैं, आपने आईडी पासवर्ड को लॉग आउट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपने काम किया है, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं या फिर आप अपनी बैंकिंग का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का काम जो हम करते हैं, कुछ भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा जो एक कीलॉगर वाली फाइल थी उसके अंदर। तो चलिए अब देख लेते हैं कीलॉगर वाली जो फाइल है उसमें क्या रिकॉर्ड अप हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं इसे एंटर कर लेता हूँ, बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद अब हम उस फाइल को पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कैट, और यहाँ मैंने लिख दिया log.txt, एंटर कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जितना भी वर्क किया है वो सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। अच्छा, इस पर नोटिस करने वाली चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आप यहाँ पे देखिए मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस किया है, और आप यहाँ देख सकते हैं Shift+L, फिर आपने 2 प्रेस किया है, GMAI लिख के आपने बैक स्पेस प्रेस किया, फिर बैक स्पेस प्रेस किया, बैक स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बैक स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल की इस्तेमाल कर रहे हैं, A to Z जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देखेंगे बैक स्पेस के बाद हैकिंग यूट्यूब चैनल आपने यहाँ पर लिखा है। तो ये सारे तरीके हैं। पासवर्ड आपने जो लिखा है 1 2 3 4 5 5 और पासवर्ड, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे रिकॉर्ड होकर आ चुकी हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका काम क्लियर हो गया, अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब सेफ़ हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन का कोई भी हैकर एक गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था वर्क कीलॉगर का, और कालिनक्स के अंदर कीलॉगर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये जो एक्सपाई वाली फाइल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इस हफ्ते का जो सवाल की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, कि एक लकी क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं जो आपको 5,000 का विनर बना सकता है एवरी वीक। तो अभी का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन ये है कि एक जो जर्नल कंप्यूटर होता है उसके अंदर कुकीज़ वाली जो फाइलें हैं वो कहाँ पे सेव होती हैं। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ की फाइल कहाँ पे सेव होती है, कुकीज़ स्टीलिंग क्या होता है, और प्रैक्टिकली कुकीज़ स्टीलिंग किस तरह से किया जाता है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको दो हिंट मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो हिंट है वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वो वीडियो देखना है, उसी वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है कि ये जो फाइलें हैं कहाँ होती हैं। तो वीडियो देखकर आपको दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो आपको ये पता चलेगा कुकीज़ और कुकीज़ स्टीलिंग होता क्या है, प्लस आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकली जो कुकीज़ स्टीलिंग है वो किस तरह से काम करता है। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन वीडियो है फ्रेंड्स। तो आप जब वो देखेंगे तो उसकी दोनों इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, वेयर डज़ कुकीज़ स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर में कुकीज़ की जो फाइल है वो कहाँ पे स्टोर्ड होती है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए या फिर अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से, ताकि आप बन सकें इस हफ्ते के लकी विनर। हर हफ्ते ये आज का क्वेश्चन था, कल का क्वेश्चन अलग रहेगा, हर हफ्ते हम 5 लकी विनर्स चूज़ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, एवरी सैटरडे मैं आपको इन सवालों के जवाब भी दूंगा,
ताकि आपको पता चल सके कि ये वास्तव में क्या चीज़ें होती हैं। और एवरी संडे जो टॉप लकी विनर्स होंगे उनको प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि लाइव होने वाला है और कैश में ही होगा फ्रेंड्स। तो देखते रहिए फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।